फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कलर स्प्रे के बारे में बात करेंगे, कलर स्प्रे की टेस्टिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे कि वो किस तरह से काम करती है और क्या वो हमारे यूजफुल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल शोकिल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास है ब्यूल्ड स्किल कंपनी की ये एक कलर स्प्रे मशीन। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कलर भी करके बताऊंगा इसके द्वारा कि किस तरह से हम इससे कलर कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है मैनुअल में और कितना टाइम लगता है इसमें। हालांकि मैं मैनुअल आपको करके नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस मशीन को खोल लिया है और ये देखिए, यहाँ पर ये मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पैक होके आई है। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है केवल, और यहाँ पर इसी के अंदर मोटर फिक्स हो रखी है और इसका जो मोटर नंबर है BPS 2100, और यहाँ पर ये 750 वाट का है फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ पर हम इसका दूसरा पार्ट निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका ये दूसरा पार्ट है और इसके अंदर नोजल वगैरह ये सारी चीज़ इसके अंदर फिट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक इसके अंदर इस तरह की एक बाकेट आती है, इसी के अंदर कलर डलता है। तो यहाँ पर 800 ml तक जो कि इसके अंदर भर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर कोडिंग लिखी हुई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसके द्वारा हम कलर की थिकनेस का पता कर सकते हैं। इस मशीन में जो कलर यूज होगा उसकी थिकनेस क्या होगी, तो हम इसके द्वारा बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, सबसे एंड में यहाँ पर ये है मैनुअल। तो मैनुअल इस मशीन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ लिखी हुई है कि आप इसके अंदर किस तरह से कलर मिला सकते हैं, ऑयल पेंट को किस तरह से कितना थिनर लेना है, सारी चीज़ इसके अंदर डिटेल से लिखी हुई है। और इसका किस तरह से यूज में हम ले सकते हैं, और वाटर पेंट को हम कितना, जैसे वाटर पेंट है तो उसके अंदर हम कितना पानी उसके अंदर डाल सकते हैं इस मशीन में यूज में लेने के लिए, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर मैनुअल के अंदर दी हुई है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डिब्बे को तो हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर एक चीज़ और है, ये देखिए, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये मोबाइल की सिम को बाहर निकालने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये है इस मशीन का जो नोजल है उसको साफ़ करने के लिए, अगर उसके अंदर कलर वगैरह फंस जाए तो उसको साफ़ करने के लिए। बाकी दिक्कत तो वैसी ही रही है कि यार इससे मोबाइल की सिम भी बाहर निकल सकती है, ट्राई करके देखूँगा एक बार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर इस तरह से फिट कर सकते हैं, जो इसके पार्ट वन और पार्ट टू है दोनों को आपस में। तो यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल आसानी से ये फिट हो जाता है, और यहाँ पर ये जो लॉक है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। और अगर हम इसको वापस से खोलना चाहें तो इस तरह से इसको प्रेस करके आगे की तरफ इस तरह से हम घुमा के खोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस मशीन के द्वारा कितने फिट में, कितने टाइम में कलर स्प्रे हो जाता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक डिस्टेंबर की पैकिंग, और इसके साथ में ले लेता हूँ मैं ये कलर। तो जितना आपको यहाँ पर गहरा करना है उस हिसाब से हम यहाँ पर कर सकते हैं, और इनके साथ हमें मिलाना है पानी। तो 1 लीटर वाटर कलर के अंदर हमें मिलाना होगा 500 ml वाटर, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा जितना आपको गहरा करना है उस हिसाब से आपको ये कलर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसी से नाप लेता हूँ 500 ml। यहाँ पर ये जो लीटर जैसा आप देख रहे हैं, इसके द्वारा हम इसकी थिकनेस का पता करेंगे। तो इसको हम जैसे ही इसके अंदर भरेंगे तो ये 25 से 60 सेकंड के अंदर अंदर खाली हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 30-32 सेकंड पे ये ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर जो कलर है हमारा बिल्कुल ओके है। तो चलिए, हम इसको इस जार के अंदर भर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 800 ml तक हमने इसको भर लिया है। तो चलिए, यहाँ पर हम मशीन में फिट कर देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये एक दीवार है आयताकार, और इसकी लंबाई और चौड़ाई हम नाप लेते हैं, क्योंकि हमें इस पर ही करना है कलर स्प्रे। तो चलिए, यहाँ पर हम इसकी लंबाई देख लेते हैं, सॉरी चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 फीट है, और इसकी जो लंबाई है वो हम नाप लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 5 फीट। तो ये 30 square feet दीवार हो गई है हमारी, और इसके ऊपर हम कलर करके देखेंगे कि कितने टाइम में ये कलर हो जाता है और कितना कलर इसके अंदर लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इसके द्वारा हम प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से घुमा के। तो यहाँ पर मैं इसको फुल कर लेता हूँ।
और यहाँ पर अगर आप चाहे यहाँ आप गोल टाइप में भी इसको कर सकते हैं। और नोजल के सामने ये जो शेप आप देख रहे हैं, इसके द्वारा आप वर्टिकल या ओरिजेंटल कलर स्प्रे कर सकते हैं। तो अभी ये जो शेप आप देख रहे हैं ये वर्टिकल में है, और अगर हम इसको इस तरह से कर देते हैं तो ये ओरिजेंटल शेप हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर लिया है और देखते हैं कि कितने टाइम में इस दीवार पे कलर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था बीच के अंदर, और यहाँ पर जैसा कि मैं अभी आपको बताऊँ तो 3 मिनट और 46 सेकंड हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये 2.5 मिनट के अंदर अंदर इतना कलर हमने कवर कर लिया है 30 स्क्वायर फिट वॉल के ऊपर। तो यार बहुत ही शानदार है, और इसके अंदर अभी भी आप कलर देख सकते हैं, जो कलर अभी बचा हुआ है वो है 300 ml यहाँ पर कलर इसके अंदर बचा हुआ है, यानी 500 ml इसके अंदर कलर लग चुका है, और मैंने 2 बार में इसके ऊपर कलर किया है। और फ्रेंड्स इसके अंदर एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस कलर स्प्रे मशीन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको धो लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको खोल लेंगे। सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोटर लगी हुई है, तो जब भी हम इसको पानी में धोएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें जो धोना है वो इस पार्ट को धोना है, ना कि इस पार्ट को। तो चलिए इसको तो हम साइड के अंदर रख देते हैं। अगर आपने ऑयल पेंट किया है तो आप इस तरह से धोने के लिए मत बैठ जाना पानी के नीचे, क्योंकि उस वक्त आपको इस पार्ट को तारपीन के तेल के द्वारा साफ करना होगा। तो इसको पैक करना बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हमने इसको साफ कर लिया है। और आप फ्रेंड्स इसको साफ करके ही रखें, नहीं तो यहाँ पर ये जो नोजल वगैरह है वो जाम हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मशीन बहुत पसंद आई होगी। तो इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताता रहूँगा। अगर आप इस वीडियो को 1 साल बाद में भी देखते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस मशीन के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या है। और भी कोई सवाल आपका इस मशीन को लेकर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको भी ये मशीन परचेज करनी है तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1800 से 3000 रुपये तक ये मशीन बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।